अभी हम पतंजलि योग पीठ के योग भवन में हैं। ये भवन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके छोटे से हिस्से में करीब 1/4 हिस्सा हम एक विशेष सेवा के लिए उपयोग में ला रहे हैं। इस समय करीब 3 करोड़ लोग ऑफिशियली कोरोना संक्रमित है। ये अलग बात है कि परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है तो उसके साथ यदि बेटा हुआ तो माता पिता भाई बहन दादा दादी पूरा परिवार, ऐसे करीब 100 परिवारों से मैंने पिछले 2 दिनों में बात की कि बेटा को हुआ या बेटी को हुआ या माता पिता को हुआ, परिवार के किसी एक सदस्य को हुआ और पूरे परिवार में कोरोना। 3 महीने 4 महीने के छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, 70-80 साल के बुजुर्ग, जवान, सब चपेट। ऐसे में चारों तरफ ना तो इतने हॉस्पिटल हैं, ना इतने डॉक्टर हैं, ना इतने बेड हैं, ना इतने वेंटिलेटर हैं, ना इतने आईसीयू हैं और ना इतने एलोपैथी की दवाइयां हैं। रेमडेसिविर जैसे जो एबोला के लिए दवाई बनाई गई, WHO कह चुका, हमारे एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी कह चुके कि भाई ये कोई कोरोना की दवाई नहीं है, ये कुछ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है, बेसिकली जो है इबोला के लिए दवाई बनाई गई। वो 10-10, 20-20 हजार की, 25-25 हजार की ब्लैक में बिक रही है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, करीब देश के 90% लोगों का सहारा आज योग है, आयुर्वेद है, स्वासारी, कोरोनिल, अणुतेल और जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है उनको हम लोग स्वासारी गोल्ड भी दे रहे हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, अभी करीब 6000 ऑर्डर प्रोसेस हो चुके हैं। आज अभी शाम तक मुझे लगता है रात को 10 बजे तक हमारे ये सब ब्रह्मचारी सन्यासी जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु के लिए, भगवान के लिए, सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है, ये यहाँ पर आज इस सेवा में लगे हुए हैं। हमने अभी इनका जो विशेष साधना का क्रम था, विद्याभ्यास का क्रम था, इनका विद्याभ्यास, इनकी विशेष साधना, विशेष दिनचर्या सब को छोड़ के खाली 1 घंटा इनको अपने लिए दिया है और 5 से 6 घंटा बमुस के लिए सोते हैं। और अब करीब 10 से 15 हजार कोरोनिल लोग घरों पर बैठे मंगा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे देश में हर रोज हम करीब 1.25 से 1.5 लाख कोरोनिल प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1.25 से 1.5 लाख। और आगे हमारा लक्ष्य है कि हम 2 लाख तक लोगों को उपलब्ध करा सके डेली। तो ये ऑर्डर मी करके पूज्य आचार्य जी ने एक ऐप बनाया हुआ है, ये ऑर्डर मी के ऐप के माध्यम से आपको घर बैठे हम किसी ने 1, किसी ने 2, किसी का पूरा परिवार संक्रमित तो हो गया है तो 3-3, 5-5 किट भी जो है ऑर्डर की हुई है ऑर्डर मी के ऊपर। ये पिछले करीब 10 दिनों से बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था, उतना मेन पावर उपलब्ध नहीं था, प्रोफेशनल वर्कर्स उपलब्ध नहीं थे। आज मैं अपने ब्रह्मचारियों को देख रहा था, हमारे व्याकरण व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य, हमारे सन्यासी, ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई प्रोफेशनल काम करता है, माने ट्रेंड वर्कर स्किल के साथ। तो मैंने 1 दिन के अंदर 10 से 15 हजार ऑर्डर हमारे ब्रह्मचारी यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं ऑर्डर मी पर, और 1, 2, 3, 5 जो जितने की मंगा रहा है उसको यहाँ से पूरा अच्छे से पैक करके ये जो एड्रेस है इसको अच्छे से सील कर रहे हैं, नहीं तो पता लगा एड्रेस कहीं गड़बड़ हो गया तो कैसे मिल पाएगा, सब उन तक पहुँच नहीं पाएगा, कहीं रास्ते में कोई इसकी सील ना टूट जाए, एड्रेस ना गायब हो जाए। तो ये इधर से कोरोनिल लेकर के कोरोनिल का पूरा ट्रक आया हुआ है यहाँ पर, ये कोरोनिल लेकर के और उसको एक एक यहाँ ये सब एक ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, इधर से सब लगे हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने एक एक किट मंगाई हुई है और एक एक किट में भी 2-2 परिवार के लोग जो है वो कोरोना मुक्त हो रहे हैं। जहाँ पूरा परिवार संक्रमित है तो 2-2 किट भी मंगा रखी हैं, उससे भी ज़्यादा किट मंगा रखी हैं। तो ये सारी अणुतेल, स्वासारी और कोरोनिल किट। अब इसके अलावा जहाँ जिनको बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया है
उनको हम स्वासारी गोल्ड भी दे रहे हैं, उनको हम जो है दिव्य धारा भी बता रहे हैं। मैं खास बात ये बताना चाहता हूँ, पिछले करीब एक सप्ताह से मैं खुद सैकड़ों लोगों से फोन पर बात कर रहा हूँ। कोई बहुत अंतरंग जो लोग थे, जो योगाभ्यास करते हुए भी और सब तरह के होते हुए भी, कोई बहुत बुजुर्ग थे, कोई कम उम्र के, ज़्यादा उम्र के, 99% लोग तो खाली इसी कोरोनरी किट से ठीक हो रहे हैं। लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे पहुंच जाता है, तो फिर हम ये अणुतेल स्वासारी और कोरोनरी के अलावा उनको स्वासारी गोल्ड उसको भी, वो हम अब आपको थोड़ी देर में ले चलेंगे। तो मल्टीपल ऑर्डर भी वहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको स्वासारी गोल्ड भी दे रहे हैं, उनको दिव्य धारा भी दे रहे हैं, उनको स्वासारी क्वाथ और स्वासारी के साथ पंचकोल भी दे रहे हैं, और जिनका बुखार नहीं टूट रहा किसी भी कारण से, तो उनको पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में ये ऑर्डर मी ऐप पूज्य आचार्य जी ने बनाया। तो पूज्य आचार्य जी की इस विशेष सेवा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य आचार्य श्री का, कि एक ऐसे ऐसे हमारे गुरु परंपरा, अपने स्थान से प्रणाम कर लो, अपना अपना सेवा करते रहो। और जो है तो पूज्य आचार्य श्री ने ये ऑर्डर मी ऐप डेवलप किया, और ये ऑर्डर मी ऐप माने प्राइवेट सेक्टर में, ये तो ये सारे के सारे काम, क्योंकि ऑनलाइन वाला जो भी काम है सब प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट वाला तो काम अभी बहुत पोस्ट ऑफिस वाला एक अलग ही तरह से चल रहा है। लेकिन माने अब इस कार्य को हमें, ये तो एक आपात धर्म था कि पतंजलि में रुचि सोया में कुल मिलाकर के 5 लाख लोग इस समय सेवा में लगे हुए, 5 लाख लोग, माने रॉ मटेरियल से लेकर के प्रोसेसिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लेबरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सप्लाई चेन से लेकर के। अब उसमें देखा गया कि यहाँ पदार्था में भी, दिव्य फार्मेसी में भी, फूड पार्क में भी, अलग अलग जगह जो यूनिट्स हैं, करीब 50 यूनिट है आज पतंजलि और रुचि सोया की मिला करके। तो अब ये काम एक जगह से होना था, इसमें वर्कर्स की भी कमी पड़ गई, वो भी लगे हुए हैं। अपना जो फूड पार्क है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है नेचुरल मेडिसिन का, फूड का, सबका, तो वहां पर भी लोग लगे हुए अलग हैं। अभी मैं आपको, जहाँ पहले घी बना करता था बस गाय का देसी घी, उसको हमने अपने डेयरी डिवीजन में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ जहाँ दूध का कलेक्शन हो रहा है वही वही हमने राजस्थान में और महाराष्ट्र में, जहाँ गाय का घी सर्वाधिक उपलब्ध होता था, तो उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी करीब 30% बचत हो जाती है उसके अंदर, तो वो घी का प्लांट वहाँ शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं, और पूज्य आचार्य श्री अभी उन्होंने सुबह से करीब 6,000 ऑर्डर प्रोसेस कर दिए, और शाम तक मुझे लगता है ये जिस स्पीड से लगे हुए हैं उनकी स्पीड अब इतनी फास्ट हो गई है कि शाम तक 15,000 और कल तक आपके 30,000 ऑर्डर आपको सबको प्रोसेस कर देने हैं, क्योंकि लोग जो संक्रमित हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको वो उस संकट में, और लोगों को 10-15 दिन ये संक्रमण चल रहा है। तो हमारी अब 2 दिन के बाद कोशिश होगी कि जो फिर ऑर्डर आए उसको हम अगले दिन दे सकें। तो थोड़े दिन के लिए अभी हमने आपको ये सेवा अवकाश दिया है, माने ये विशेष साधना इनकी, व्याकरण शास्त्र की, दर्शनों की, उपनिषदों की, वेदों की, जो भी शिक्षा दीक्षा की जो विशेष साधना थी उसको उसको अवरुद्ध करके अब इस काम में नियुक्त किया है। और अब ये कार्य जो है 2 दिन के अंदर हमारी कोशिश होगी, मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं, जो 5-7 दिन पुराने ऑर्डर थे वो सारे के सारे प्रोसेस हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे लोगों को ऑर्डर में से जो वो ऑर्डर करते हैं उनको अपने घर बैठे औषधि मिल जाए, हमारा ये प्रयास होगा। और इस प्रयास में हमारे सारे पूज्य सन्यासी, हमारे सभी आदरणीय आचार्यगण, और हमारे सभी ये ब्रह्मचारीगण जो अपने ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि रूप हैं, और हमने हमेशा कहा है हमारे लिए सेवा धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म तो सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र कब बचेगा, राष्ट्रवासी कब बचेंगे, जब हम आपदा के समय उनकी सेवा कर पाएंगे। तो ये घर बैठे लोगों की जो सेवा
का कार्य जो उत्तरदायित्व लिया था, इसमें एक साथ करीब 50,000 ऑर्डर आते हैं एक साथ। अब वो अब ये कार्य 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद लोगों को जो भी 10-10, 15-15 हज़ार डेली ऑर्डर आ रहे हैं उनको हम भेज सकेंगे। इसमें सभी आप सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं तो लोग जो है हॉस्पिटलों में कहा जगह नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ICU नहीं मिल रही और बहुत खराब हालत है। ऐसी स्थिति में योग एक सहारा है, आयुर्वेद एक सहारा है और शक्ति आधारित ऋण है। इसमें यह ऑटोनॉमी का एक बहुत बड़ा काम ये करके कितने लोगों का उपकार किया। और इसमें सारा जो इसमें प्रोफेशनल वर्किंग जो मैं बात कर रहा था, कंप्यूटर पर सारे ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर का स्लिप तैयार करना, वो ऑर्डर को पूरा प्रोसेस करना, इसमें सारे हमारे ब्रह्मचारीगण आचार्य गरी हम लगे हुए हैं। और ये पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत अब पूरे प्रशिक्षित हो गए हैं। तो ये सब पहले से क्योंकि कुछ BTEC, MTEC, MBA और अलग अलग कंप्यूटर आदि के सब टेक्निकल कोर्सेज भी पहले करके आए हुए थे, कुछ यहाँ और प्रशिक्षित हो गए हैं। तो एक बार इनका भी विशेष अभिनंदन है। मैं वही देख रहा था कि यहाँ तो कोई पेड वर्कर नहीं है, सारे के सारे हमारे आचार्य गण इस काम में लगे हुए हैं कि सारा इन्होंने मोर्चा खुद ही संभाल लिया है। तो पूज्य आचार्य जी भी अत्यंत प्रसन्न हैं कि अब पूज्य आचार्य जी की जो ये भावी पीढ़ी है वो अब बड़े बड़े मोर्चों को संभालने में सक्षम है। आचार्य जी अभी तो 10-20 हज़ार क्या 1 लाख ऑर्डर भी आएंगे तो उसको ये मुझे लगता है ये 15 दिन से 1 महीने का बहुत बड़ा पेंडिंग है और उसको ये संभाल लेंगे। तो एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। मैं आपको सेवा का सौभाग्य मिला, ये सेवा का सौभाग्य मिला है और इसको इस सौभाग्य के रूप में ही स्वीकार करके आप 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक आपकी सेवा के बड़े रूप में जरूरत हो सकती है। और जब सेवा धर्म सामने है तो उसके आगे बाकी सारे धर्म है वो गौण हो जाते हैं। इस समय इंसान की जान बचनी चाहिए और पतंजलि के लाखों भाई बहन पूरे देश में उनका अलग अलग तरह से जान बचाने का काम कर रहे हैं। अब किन्हीं को कहीं पर भी, अब इतना बड़ा देश है 135 करोड़ की आबादी है, अब सब लोगों को जो है सब जगह सारी औषधियाँ उपलब्ध हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। फिर भी रात दिन लगे पड़े हैं सब। और अभी इसके बाद में जहाँ मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ भी मैं जाऊँगा, लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि अभी बस 2 दिन का धैर्य रखिए। 2 दिन के बाद जो है आप सबको हम घर बैठे भी ये ऑर्डर मी के माध्यम से 25 से 50 हज़ार लोगों तक का, तो 25 हज़ार तो हमारे ब्रह्मचारी हो। देखो यदि सिंगल मेडिसिन है तो आसान है, माने खाली कोरोडिल मंगाना है तो 25 से 50 हज़ार भी भेज सकते हैं, लेकिन यदि मल्टीपल ऑर्डर हैं तो उसमें 10-15 हज़ार से ज़्यादा भेजने में असुविधा होती है। उसमें भी हमारे ब्रह्मचारी हमारे सन्यासी लगे हुए हैं, अब उनके पास आपको लेकर के चलते हैं। और इस कार्य को जिस यशस्विता के साथ में सबने हाथ में लिया है मुझे बहुत फक्र है। और कई बार जब मैं सोचता हूँ कि आप सब प्रकार से तो निष्णात हैं ही, अपनी विद्या में, अपनी साधना में, अपने व्याकरण दर्शन उपनिषद जो अपनी विद्या परंपरा है उसमें निष्णात होते हुए कुशल होते हुए, वो एक अलग प्रकार का स्किल है। अपने अध्यात्म परंपरा में शिक्षित दीक्षित होते हुए अब जब ऐसा आपद धर्म आया है, और ये ऐसा कभी कभी होता है, शायद सदी में एक बार कभी ऐसा कोई बड़ा प्रकोप आता है, पिछले बार से इस बार वाला जो स्टैन है उसकी जो नया अवतार है ये इसका जो वायरलिटी रेट है, इन्फेक्टिविटी रेट है, वो पहले से करीब 10 गुना ज़्यादा है। माने पहले जो 2-3 घंटे में आदमी संक्रमित होता था वो अभी 10-15 मिनट में एक दूसरे से संक्रमण हो रहा है। और मैंने कहा पूरे के पूरे परिवार के परिवार छोटे बड़े सब इसके लपेट में आ रहे थे। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग कोशिश करें कि वो खाली सिंगल कोरोनिल ऑर्डर करें, तो केवल कोरोनिल किट, एक के बजाय 2 किट कर लें। तो 2 किट आप ऑर्डर करते हैं तो आपको भेजने का भी पैसा अतिरिक्त नहीं देना पड़ता, वो भी पतंजलि ही उसको पे कर देता है। तो बाकी जिनको बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो वो मल्टीपल ऑर्डर करें।
तो उसमें स्वासारी गोल्ड है और अपना दिव्य धारा है, जिनका बुखार टूटे ही गया, 7-7 दिन 10-10 दिन हो गए, तो उनके लिए हमने बोला है गिलोई भनवटी, लक्ष्मी गिलोई भनवटी, झरना चकवटी और सुदर्शन खनवटी खाने पे, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी खाने के बाद, फिर स्वासारी पंचकोल भी दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग जो प्रयोग बता रहे हैं, तो वो अलग अलग जो प्रयोग है मल्टीपल ऑर्डर वाले, अभी केवल औषधियों पर अपने आप को सीमित रखें, क्योंकि बाकी सब चीजें इस समय मंगाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगी। कुछ लोग पूरे के पूरे परिवार संक्रमित है तो 5-5 ऑर्डर भी एक साथ लोग मंगवा रहे हैं, तो एक से लेकर के 5 तक हम लोगों को भेज पा रहे हैं, इससे ज्यादा भी ना मंगाए, अब कहीं पूरा का पूरा परिवार ही संक्रमित हो जाए और उनको वहां सुलभ नहीं हो पा रही है कोरोना, तो फिर उनको उससे अधिक भी भेजा जा सकता है। 5 के ऑर्डर 4 के 3 के सारे तो सारे के सारे ऑर्डर 3, 4, 5 के ये सारे ऑर्डर पूरा प्रोसेस करके, इसमें आईटी के हमारे भाई कविंद्र जी भी बहुत बड़ी सेवा श्रद्धे आचार्य श्री कुमार दर्शन में करते हैं, सारे हमारे आईटी के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, आईटी में करीब 150 लोग हैं और उसमें मैंने अपने कर्मचारियों को नहीं जोड़ा, ये तो आप धर्म की सेवा में लगे हुए, तो ये तो अच्छा शुरुआत वहाँ से होती है, प्रिंटर उधर भी लगा हुआ, तो ये सब अपनी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा इज्जत की सेवा से लेकर के हमारा हृदय ऐसे प्रेम और तमाम से भराता है और हमें गौरव होता है कि कभी भी कितनी ही बड़ी कोई आपदा आए, कितना ही बड़ा कोई संकट आए, कितनी बड़ी कोई चुनौती आए, हर चुनौती को का मुकाबला करने के लिए हम इसलिए तैयार रहते हैं। सारे ऑर्डर अभी प्रोसेस हो चुके हैं, अब ये फिनिश हो चुके हैं, इधर से आगे पूरी तैयारी चल रही है, यहाँ पर भी हमारे भाई लगे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है पूरी आपकी सेवाओं के लिए, तो यहाँ से सारा प्रिंट आदि, अच्छा प्रिंटर यहीं से ऑर्डर यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ प्रिंटर भी है, सारी सेवाएँ हैं, ये सब देख करके हमें बहुत गौरव होता है कि चाहे कितनी ही हिमालय जैसी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी समस्या हो, कितना ही बड़ा संकट हो और कितनी ही दिक्कत क्यों ना हो रही हो, हमारे सब भाई बहन उसके लिए पूरी तरह से, यहाँ तो अभी भाइयों की सेवा देख रहे हैं, हमारी बहनें भी ऐसे सेवा में लगी हुई हैं, हमारे दूसरे आचार्यगण सेवा में लगे हैं, जहाँ मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेस करें वहाँ पर ही चलता हूँ, यदि मैं आपको बता सा ले चलूँ तो वहाँ तो आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा तंत्र कैसे चल रहा है, माने डेली आज मैं कहूँ तो करोड़ों लोगों की सेवा, ये तो आप जो देख रहे हैं ये तो हजारों लोगों की सेवा का प्रकल्प है, एक उसका छोटा सा नमूना मैंने आपको दिखाया कि हमने बाकी सारे काम बंद करके कि भाई इस समय लोगों की जान बचाना ये बड़ा मकसद है, और छोटे छोटे बच्चों की जान संकट में, पूरे के पूरे परिवार संकट में, और उनका सहारा बना है योग, उनका सहारा बना है आयुर्वेद, और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम जो हमसे बन पाएगा, रोज अभी कोशिश हमारी ये है कि 4-5 लाख लोगों तक कोरोना की ये औषधि देगी, मान महीने में कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों, महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सेवा तो पतंजलि ही करने के लिए सक्षम है, इतनी बड़ी सेवा का निष्पादन करते हुए एक तरफ हमें गौरव भी होता है, दूसरी तरफ जो इस सेवा में रात दिन लगे रहते हैं ऐसे भाई बहनों की सेवा को देखते हुए हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर उठता है, कई बार आंखें चढ़ उठती है कि कितनी ये सेवा करते हैं, अभी 4-5-6 घंटा सो करके भी और सब अहर्निश इस सेवा में लगे हुए हैं, और इससे न जाने कितने लोगों की दुआएं, कितने लोगों के आशीष पा रहे हैं, जो भी संकट आया सो आया, जो भी संघर्ष सामने है, जो भी चुनौतियाँ सामने हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य हर चीज किसी भी कीमत पर पूरा करने के प्रतिबद्ध हैं, और उसका एक झलक आपने यहाँ देखी, अब मैं इसके बाद आपको जो पतंजलि गाय का देसी घी जहाँ बनता था पहले, जहाँ इसका प्रोसेस करते थे पूरा मक्खन से, वहाँ ले चलेंगे जहाँ अभी मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं,
अभी के लिए हम अपने ये पूरा ये जो सेवा का अनुष्ठान चल रहा था उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको कराया। बस इतना ही कहूँगा, दो दिन के बाद आप नए प्रोग्राम करना, जिससे कि आपको फिर अगले दो से तीन दिनों तक आपको हम ये सेवा देने में समर्थ हुआ।